बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर करेंगे हम 9.7 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9। अब यहाँ पर कहता है कि आपके पास एक एजेंट है, द एक्सपीरियंस ऑफ ए हाउस एजेंट, कोई भी हाउस प्रोवाइड करने वाला एजेंट है, ठीक है। वो उसका दावा है कि वो 75% सूटेबल आपको घर लेकर देगा। तो नेक्स्ट कहते हैं कि इफ़ पार्टिकुलर 6 क्लाइंट्स अप्रोच हैं इंडिपेंडेंटली, अगर ज़्यादा ना तौर पर 6 उसके पास पहुंच रहे हैं, हमारे पास 6 पहुंच रहे हैं, उसके पास 6 बंदे पहुंच रहे हैं, यानी कि 6 बंदे उसके पास पहुंच रहे हैं। और वो नेक्स्ट देखें पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 4 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन। अब सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन एज ए सक्सेस काम कर रहा है, ये कितना हमारे पास उसने क्वेश्चन में ही दे दिया है, कितना है 75%। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.75, क्योंकि इसे 100 पे आप डिवाइड करके इतना कर लें। क्यों कितना आएगा, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, ये 0.25 आएगा। आपने 9.6 लाजमी कर लेना है। और यहाँ पर देखें एन आ गया हमारे पास, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट के लिए पी क्यू है, ये आपको याद रहे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें क्या कहता है हमारे पास, ये एक हाइपर ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं टिप्स भी दे दूंगा आपको, कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये हाइपर ज्योमेट्री का है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। तो ये बनेगा हमारे पास इज इक्वल टू एन सी एक्स फार्मूला हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, पी पावर एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी क्वेश्चन हैं आपने इजीली सॉल्व इसे कर सकते हैं। अब आ जाए यहाँ नेक्स्ट, इसमें कहते हैं कि आपने एट यहाँ लेस देन 4 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्ट्री। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 4, सबसे पहला तरीका फर्स्ट मेथड जो है वो ये है कि आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। एक ये मेथड है, अगर आप इससे करना चाहें तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आपने 9.6 लाजमी देख लेना और अच्छी तरह से देख लेना। दूसरा मेथड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 4 का मतलब ये भी है कि ये आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि हमने 4 से नीचे नीचे रहना है। 4 से नीचे नीचे कितने आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, आप जिसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 रखना है, इस फार्मूला में ये वैल्यूज फिट करनी है। एन सी एक्स करते हैं, एन हमारा 6, एक्स फर्स्ट टाइम मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ इस वाले को, ठीक है। एन सी एक्स, एक्स दिया हमने 0 इंटू पी, पी है हमारा 0.75, इसकी पावर लेनी है एक्स, एक्स लेंगे 0 लेंगे मल्टीप्लाई बाय क्यू 0.25, इसकी पावर लेनी है हमने एन माइनस एक्स, यानी कि 6 माइनस 0, 6 में 0 माइनस करेंगे 6 ही रहेगा, प्लस 6 ही 1 करते हैं, ये वाला मैं कर रहा हूँ अब, ठीक है। पी, पी की पावर लेनी है हमने एक्स, यानी कि 1 लेनी है इंटू क्यू 0.25, इसकी पावर लेनी है हमने एन माइनस एक्स, यानी कि 6 माइनस 1, एन माइनस एक्स करेंगे, एन हमारा 6 है और एक्स इस वक्त हमारे पास 1 है, 6 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आएगा 5, ठीक है। प्लस नेक्स्ट आ जाना हमने 6 सी 2 करना है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। 0.75 इसकी पावर लेनी है 2 इंटू 0.25, इसकी पावर लेनी है हमने एन माइनस एक्स, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, प्लस 6 सी 3 लास्ट कर रहा हूँ मैं 0.75 ये वाला, ठीक है। इसी पावर लेनी है 3 इंटू 0.25, इसकी पावर आएगी 3। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक ये भी है कि जब आप एक चीज़ की पावर ले लें 3, बाकी कितनी बचेगी, इसके इक्वल होनी चाहिए 6 के, ठीक है। ये 3 आएगी तो ये भी 3 आएगी, ये देखिए इसका 6 है ना एन, तो इसकी पावर आएगी 1, ये है ये तो 5 ही है, 6 टोटल होना चाहिए, इसकी 0 है तो इसकी 6 आ जाएगी, ठीक है। ये एक ट्रिक है, तो इंशाल्लाह इन्हीं के अलावा जो अलग से ट्रिक है वो मैं आपको अलग से वीडियो में दे दूंगा इंशाल्लाह।
तो सिक्स ही ज़ीरो करेंगे, सबसे पहले सिक्स ही ज़ीरो करें आपके पास वन आएगा। तो 0.75 की पावर जब ज़ीरो लेंगे तो भी आपके पास वन आएगा, किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर ज़ीरो लें वन के इक्वल होता है। 0.25 इसको इसी तरह लिख लेंगे, 0.25 की वैल्यू पावर सिक्स प्लस सिक्स ही वन करेंगे तो आपके पास सिक्स आ जाएगा। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 पावर फाइव। ओके, अब इन्हें आपने बार बार मल्टीप्लाई नहीं करते रहना, एक बार ही हमने मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना। 62 करके देख लेते हैं, ये नहीं पता कितना आएगा। तो ये आ रहा है मेरे पास 15। ओके स्टूडेंट, इनटू 0.75 इसी पावर लेंगे 2, 0.25 ये पावर है 4 प्लस 63 करके देख लेते हैं। तो ये आ रहा है मेरे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इंटू 0.25, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 25 की पावर लेनी है हमने 5, सॉरी ये लास्ट वाला कर रहे हैं 63, इसकी पावर भी 3 है हमारे पास, इसकी पावर भी 3 है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा हो गया सॉल्व यहाँ तक। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड कर देना है। ओके स्टूडेंट, ऐड किस तरह करें ये देखें, 1 × 1 होगा तो आपको पता है 1 ही रहेगा। 0.25 का पावर 6 लेते हैं, पावर के लिए आपने ये वाला बटन यूज़ करना है जो मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको। अब ये मिलेगा कहाँ, ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखें बिल्कुल बड़े वाले बटन के नीचे, ये रहा जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूँ। अब ये बटन यूज़ करना है, देखिए मैं आपके सामने यूज़ कर देता हूँ। 0.25 पावर लेनी है हमने 6 प्लस प्लस है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर 5। ओके, प्लस नेक्स्ट हमारे पास 15 इंटू 0.75 स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.75 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर लेनी है हमने 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट करना है प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0.75 की पावर 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.75 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर 3। अब इसे डायरेक्ट ऐड करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 0.16 समथिंग आ रहा है, 0.16943359 3। उम्मीद आप लोगों के पास भी यही आ रहा है 0.1694। आप 4 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करके लिख लें, मैं 4 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास 0.1694। अब ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, मैंने 4 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स कर लिया, आपने भी फिक्स कर लेना। किस तरह से करेंगे मैं आपको वीडियो के एंड पर बता दूंगा। अब नेक्स्ट इसका देखिए पार्ट, इसमें कहता है कि एट लीस्ट 5 क्लाइंट्स, उसमें सक्सेस भी देख लें क्या कह रहे हैं। एट लीस्ट 5, ठीक है, एट लीस्ट 5 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन। तो इसके लिए पी क्या आएगा, पी वही हमारा सेटिस्फैक्ट्री के लिए क्या था 0.75 और क्यू था हमारा 0.25। अगर अनसेटिस्फैक्ट्री के लिए कह देता हमें, अनसेटिस्फैक्शन के लिए, तो हमारा पी आना था 0.25 और जो क्यू आना था वो आना था 0.75, उलट हो जाना था, ठीक है। तो हमें सेटिस्फैक्शन के लिए कह रहे हो तो हम इसी तरह यूज़ करेंगे। अब इसके लिए भी यही फार्मूला यूज़ करना है, एट लीस्ट 5। मैंने एट लीस्ट एट मोस्ट के बारे में तकरीबन हर वीडियो में बताया है। एट लीस्ट का मतलब ये है कि कम अज़ कम, ठीक है, कम अज़ कम। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप की। व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप कब बनता है, जब आपके पास एट लीस्ट 2 क्लाइंट्स हों, यानी कि 2 नंबर्स हों, तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। अब आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, अकेले बंदे का तो बनेगा नहीं, ठीक है, उसमें 2 होने चाहिए, ठीक है। ओ 2, सॉरी हमने यहाँ पर 5 यूज़ करना है, तो इसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कैसे इसके साइन आएंगे। अब उसमें 2 होने चाहिए, ठीक है, मेंबर तो ही ग्रुप बनेगा।
अगर टू से कम है तो ग्रुप नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है एटलीस्ट फाइव, यानी कम से कम फाइव। अब ग्रुप कितनी देर तक बनेगा, जब टू होंगे या टू से ज़्यादा होंगे तो ग्रुप बनेगा। यानी कि एटलीस्ट फाइव का मतलब हुआ टू फाइव हुए या फाइव से ज़्यादा होंगे तो हमारे पास एटलीस्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह क्लियरली मेन पता चल गया होगा। आपने 9.6 क्वेश्चन लाजमी देखना, उसमें मैंने कम्प्लीटली डिस्कशन के साथ बताया। तो ये आया इज इक्वल टू, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप लिख लें वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन फाइव। ओके, ये हो गया फर्स्ट मेथड। आप कोशिश करें जो शॉर्ट मेथड हो वही यूज़ करें। शॉर्ट मेथड इसमें ये बनेगा, अब फाइव या फाइव से ग्रेटर है, ठीक है, एन हमारा कहाँ तक जा रहा है, सिक्स तक। तो ये होगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, ये इजीली हो जाएगा। अब इसके लिए किस तरह से करेंगे, इसके लिए बिल्कुल वही मेथड जो हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया वन में इस्तेमाल करना। मैंने 9.6 में अच्छी तरह ये मेथड डिस्कस किया, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये आएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड सिक्स के लिए। ठीक है, अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन सी एक्स, एन हमारा सिक्स, एक्स है फाइव, पी है हमारा 0.75, इसकी पावर लेनी है एक्स, एक्स है हमारा फाइव, इंटू क्यू 0.25, इसकी पावर लेंगे वन। ठीक, क्यों वन आई, सिक्स में से फाइव माइनस होगा ना तो वन नहीं आएगा, प्लस सिक्स ही सिक्स इंटू 0.75, इसकी पावर आएगी सिक्स, क्योंकि इसकी पावर आनी है एक्स, इंटू एक्स एन माइनस एक्स 0.25, सिक्स में से सिक्स माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में पावर ज़ीरो लें तो वन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर कर लेते हैं इसे सोल्व, सिक्स ही फाइव करके देखते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास सिक्स। अब ये देखें, आपके पास डॉट्स के बाद ज़ीरो आना शुरू हो जाएंगे जब आप कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे। तो आपने इसको डिलीट करना है, किस तरह से करना है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर मोड प्रेस करना है, फिर थ्री प्रेस करना है, फिर इक्वल टू प्रेस कर देना। ओके स्टूडेंट, ये मोड सारा क्लियर हो गया। अब आप लेंगे दोबारा से सिक्स सी फाइव, तो आपके पास ये सिक्स कंप्लीट आ रहा है। और जो दूसरे कैलकुलेटर वाले वो इसको किस तरह रिमूव करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके नाइन प्रेस करेंगे, थ्री प्रेस करेंगे, फिर उनके पास आल हो जाएगा। ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। अब सिक्स ही फाइव किया मैंने तो सिक्स आया, इंटू 0.75, इसकी पावर 5.25, प्लस सिक्स ही सिक्स करेंगे तो आपके पास वन आएगा। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ, ये देखो वन आ रहा है मेरे पास, इंटू 0.75, इसकी पावर लेनी है सिक्स, और इसकी पावर जब ज़ीरो लेंगे तो आपको पता वन नहीं आएगा, तो हम इसे वन ही लिख लेते हैं। अब इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है बिल्कुल सिंपली मेथड से। देखिए, सिक्स मल्टीप्लाई बाई 0.75, पावर के लिए वही बटन यूज़ करना जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पावर लेनी फाइव मल्टीप्लाई बाई 0.25 प्लस हमारा वन मल्टीप्लाई बाई 0.75 का पावर सिक्स। तो आपने वन नहीं लिखना, इसकी लिखनी है 0.75, इसी पावर लेनी है हमने सिक्स, पावर के लिए वही बटन यूज़ करें। तो ऐड करता हूँ मैं इसको, तो ये आ रहा है आपके पास, ओके सर, ये 5.3393 समथिंग आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है, इसको फोर डिजिट तक फिक्स करके देख लें, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये देखो, फोर डिजिट तक फिक्स कर लिए, ये आ रहा है आपको। अब आपने ये वीडियो किस तरह देखनी है कि फिक्स किस तरह कैलकुलेटर को करना है, इसके लास्ट पे देखें, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर कॉर्नर में आएगा आपके पास आई का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। वरना आपके यहाँ थ्री डॉट्स आ रहे होंगे, इन पर क्लिक करें, ठीक है, इन पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू ऑप्शन आ जाएगा आई कार्ड का, आई कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर, आपने कंप्लीट देख लेनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।